और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे ग्वालियर में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा है कि गारंटी शब्द ऐसा हो गया है जैसा मोदी जी का चेहरा हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी वतन के लिए जीने वाले और विपक्ष के लोग मटन के लिए जिंदा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी गरीबी नहीं हटाई, केवल गरीबों को हटाया। गारंटी शब्द ऐसा हो गया कि अब ये एक दूसरे के पूरक हो गए। आप गारंटी शब्द बोलोगे तो मोदी जी का चेहरा नजर आएगा और मोदी जी का चेहरा की तरफ देखोगे तो उसमें काम की गारंटी नजर आएगी कि माननीय मोदी जी वतन के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं और विपक्ष के नौ दुर्गों में जैसे फोटो आ रहे हैं उससे लगता है कि मोदी जी वतन के लिए और विपक्ष मटन के लिए जीने वाला व्यक्ति। कांग्रेस वादे करती रही, नारे लगाती रही गरीबी हटाने के, कभी गरीबी नहीं हटा पाई। इनके नारों में गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया और वादा कर दिया कि आने वाले कल में इससे अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाल देंगे।